अभी हम मौजूद हैं सीपू कार्यालय के सामने, जहां पर सैकड़ों की संख्या में फार्मिस्ट अभ्यर्थियों ने यहां पर धरना दे रखा है। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे उनकी समस्याओं को लेकर हम जानना चाहेंगे। भैया आप? मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ भैया। क्या मांगा आपकी? सर हमारे ये मांग है, हमारी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो निकाली जाए। हम यहाँ पे अनशन पर बैठे हैं बहुत दिन से, और सबकी निकाल दी, सातों कैडरों की, एक हमारा ही बचा है फार्मासिस्ट का, जो हमारी निकाली नहीं गई है लिस्ट। सर आप पिछले 5 दिनों से यहाँ पर डटे हो, अभी तक आपकी सरकार क्यों नहीं सुन? फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हो रही है, बाकी सभी कैडर की हो गई है। इसमें फार्मासिस्ट को जल्दी से जल्दी प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाए। सर जी, कोई आश्वासन नहीं है, अधिकारी कहते हैं हमारे पास ना बताया करो, और सरकार तक बात पहुंचती नहीं है, और सरकार के पास बात नहीं पहुंचेगी तो फिर सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे होगा हमारा? हमें बीकानेर से सर, हमारी मांग है कि ओरिजिनल लिस्ट आज ही जारी की जाए सरकार से। हाँ, तो इसलिए सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ओरिजिनल लिस्ट जारी की जाए और हमें सुविधा से मुक्ति दी जाए। अंदर से कोई आपको आश्वासन? सर अभी डेलीगेशन गया है, देखते हैं क्या होता है, बाकी डिमांड यही है प्रोविजनल आज जारी हो, यही डिमांड है हमारी। आश्वासन अभी लेके गए 4 जनों को, अब देखते हैं वो क्या लेकर आते हैं, पर हमारे हाथ में नहीं आएगी जब तक हम नहीं उठेंगे। बस हम नहीं उठेंगे, हम जयपुर से आए हैं, हम नहीं उठेंगे जब तक हमारी लिस्ट जारी नहीं होती है प्रोविजनल, यही मेरा कहना है। आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको लगातार कवर कर रहे हैं, और हमारी एक ही मांग है और सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी आवाज़ पहुंचाने की मांग, जो मैं आपसे रोज़ाना बता भी रहा हूं कि मीडिया से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी आवाज़ पहुंची नहीं है सीएम साहब तक, और बाकी सब मंत्रियों एमएलए अधिकारियों सबसे हम लगातार मिल रहे हैं, लेकिन हमको कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है। आप देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार ये लोग धूप में पड़े हुए हैं, ये वो लोग नहीं है जो 4 दिन का संघर्ष हो, ये 12 साल से लगातार इस योजना में अपना योगदान दे रहे हैं। किस तरह से उन्होंने सफल बनाया, 3 बार योजना को फर्स्ट नंबर पर लाएं एशिया में, इस चीज़ को मुख्यमंत्री महोदय तक आज की डेट में कोई नहीं पहुंचा पा रहा है कि आपके फार्मासिस्ट जिन्होंने इस योजना को लोक कल्याणकारी आपकी योजना को सफल बनाया, वो आज फार्मासिस्ट दर दर ठोकरे खा रहे हैं, यहाँ पर धूप में पड़े हुए हैं। इस बात को मैं बस आपसे मीडिया से सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की डेट में कैसे भी करके हमारी बात को सीएम साहब तक पहुँचाया जाए। दूसरी बात यह है कि ये जो अनशन हमारा चल रहा है, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, आज की डेट में हमारी अगर सूची जारी नहीं की जाएगी, तो लगातार बैठ रहेंगे। अभ्यर्थी 3067 हैं, अनशन पर 2 लोग हैं, क्रमिक अनशन पर विकास चौधरी हैं, और आमरण अनशन पर हमारे दीपक संगानी जी हैं, और उनकी स्थिति तबीयत उनकी बिगड़ती जा रही है, दीपक संगानी जी के है ना, एज भी ज़्यादा है, एज तो आप देख ही रहे हैं कि 40 से नीचे तो कोई दिख ही नहीं रहा आपको, है ना, वो अबव 50 हैं। इस उम्र में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वो भी 12 साल काम करके इस योजना में, तो मैं एक बार लास्ट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज की डेट में सीएम साहब तक हमारी बात को पहुँचाएं, जिससे वो संज्ञान लें और कुछ ऐसा दिशा निर्देश दें कि हमारी सूची आज ही जारी हो। शुल्क दवाई योजना है कि वो 2011 में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा ही चालू की गई थी, लेकिन आज 2023 में इन्हीं फार्मासिस्टों को उनकी वैकेंसी के लिए आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, जमीन पर सोना पड़ रहा है, सड़कों पर इनको खाना पड़ रहा है, यहाँ पर कोई नेता मिलने नहीं आ रहा है, हमारा डेलीगेशन बार बार जरूर जा रहा है, लेकिन हमारी मांगे पूरी अभी तक सुनी नहीं जा रही है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जबकि जब तक फार्मासिस्ट की जो प्रोविजन सूची है वो जारी नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि पैरासीटामोल से लेकर कोरोना वैक्सीन तक हम फार्मासिस्ट बनाते हैं, लेकिन उन्हीं फार्मासिस्टों के साथ अशोक गहलोत की सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि फार्मासिस्ट की जो प्रोविजनल सूची अब तक अटकी हुई है वो जल्दी से जल्द जारी की जाए, ताकि यहाँ से सारे फार्मासिस्ट खुशी खुशी अपने घर जा सके, और जितने भी त्यौहार आने वाले हैं दिवाली नवरात्र, सारे खुशी खुशी मना सके। इस मीडिया चैनल के माध्यम से मैं हमारे अधिकारी जो इस भर्ती के जिम्मेदार लोग हैं, सुरेश नवल जी, एसीएस मैडम सुब्रा सिंह जी एवं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी को यह मैसेज देना चाहते हैं हम सभी कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है विगत 10 वर्षों से, हमारी एक भी नियमित भर्ती नहीं हुई है, प्लीज़ आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता, प्लीज हमारी पीवी लिस्ट जारी करवाएं और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दी जाए। आज 10 साल से फार्मासिस्ट भर्ती के लिए हम अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, हमारी भर्ती 2018 के अंदर 5 बार कैंसिल हो गई, भले वो लिखित में जब हमने संविदा पे
गवर्नमेंट की निःशुल्क दवा योजनाओं तक को घर घर पहुंचाया, उसके पश्चात भी आज हमारी भर्ती के साथ ये हो रहा है। सभी आठों कैडर की भर्ती में सातों कैडर की भर्तियों की प्रोविजनल लिस्ट आ गई है, मगर एक फार्मासिस्ट कैडर जो एक विभिन्न और मूल अंग होता है उसका निरोगी काया का, उसके तहत हमारी जो प्रोविजनल सूची रोकी जा रही है उसका हमें उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी सरकार से एवं चिकित्सा डिपार्टमेंट के अधिकारियों से निवेदन है कि वह जल्दी से जल्दी हमारी प्रोविजनल लिस्ट निकाल कर हमें नियुक्ति दे, क्योंकि हम 10 साल से संविदा पे काम कर रहे हैं, हमने 8000 के अंदर नौकरी करी है। आज एक बेलदार की दिन की दिहाड़ी 600 रुपये है, मगर एक फार्मासिस्ट की दिन की दिहाड़ी 225 रुपये के लगभग पड़ती है। सरकार को भी हमारे ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और हमारी जल्दी से जल्दी प्रोविजनल लिस्ट जारी करके हमें नियुक्ति देनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करता हूँ सरकार से कि वह हमारे पक्ष को सुने, हमारे हाथों को मजबूती करें। जो हमारे 10 साल से कई हमारे सीनियर साथी हैं, बॉस वगैरह हैं, जो आफ्टर ओवर एज हो गए हैं, अब की बार अगर उनका ये वैकेंसी कैंसिल होती है तो अगली बार वो उनकी लाइफ टाइम वो कोई सा भी फार्म नहीं भर पाएंगे। तो मेरा सरकार से विशेष रूप से अनुरोध है कि वह जल्दी से जल्दी हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी करके कैलेंडर जारी करे और हमें आचार संहिता के अंदर नियुक्ति दे, क्योंकि आप मैं ये भी सुनने में आ रहा है कि 10-11 तारीख को आचार संहिता लग सकती है, मगर मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारी पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी करे आचार संहिता से पहले, उसके बाद वो कैलेंडर जारी करे और एक तारीख फिक्स करे, भाई उस तारीख पे हम आपको नियुक्ति देंगे, ताकि जो हम ये परेशान हैं निराशा के साथ हम इस धूप में बैठे हैं, हमारे 4-5 साथी आमरण अनशन कर रहे हैं, अत्यधिक परेशान हो रहे हैं, इस चीज़ से हम चिंताग्रस्त हैं। हमारे पीछे घर वाले भी यही सोचते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं गलत शौक तो नहीं लग गया है। 4-5 दिन से प्रारंभ में मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे घर वाले ये बोल रहे थे भाई तू 4-5 दिन से कहाँ रह रहा है, कोई आता पता नहीं है। तो मैंने उनको वास्तविकता बताई तो उन्हें भी हम पे गर्व हुआ कि पहले तो इन्होंने संविदा पे लोगों की सेवा करी है और आज इस फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आज हम सभी यहाँ सिपू के बाहर बैठे हुए हैं। तो मेरा सभी से और सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी करें, ताकि हमारे घर में भी दीपावली के समय दीप जल सके। मेरे को यहाँ पे अनशन करते हुए सब 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और कंटिन्यू अनशन पर बैठा हूँ, मगर सरकार का कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाई दे रहा है। अभी सिर्फ SS मैडम का एक मैसेज आया था जिसमें एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है, अब देखते हैं उसमें क्या वार्ता होती है। हमारी मुख्य मांग तो सरकार से यही है और मैडम से भी यही है कि हमारे हाथ में हमारी प्रोविजनल लिस्ट दे दें तो हम यहाँ से अनशन से उठ जाएंगे, अदरवाइज हम अनशन से नहीं उठेंगे चाहे वो कितने ही दिन तक चले, और जब तक हमें प्रोविजनल लिस्ट नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर आप? मैं यशपाल सिंह पाली से हूँ सर। मैं अभी विकास जी की जगह बैठा हूँ, अभी विकास जी अभी कल से बैठे हैं यहाँ पे कार्मिक आमरण अनशन पे बैठे हैं, तो अभी वो वार्ता के लिए गए हैं तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ बैठा हूँ। उन्होंने बोला, मेरे को बोला कि आप बैठें, तो आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आपका अनशन लगातार जारी रहेगा? हाँ, मेरा अनशन लगातार जारी रहेगा अगर मांगे नहीं मानी गई तो। मैं दीपक कुमार चंगाणी बीकानेर से हूँ। 2-3 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, तब तक तो प्रयासरत रहेंगे कि आचार संहिता से पहले हमारी प्रोविजनल लिस्ट आ जाए, हमारा तो भरपूर प्रयास यही रहेगा और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। हर पार की लड़ाई है, अब देखते हैं इसमें क्या। देखिए, अनशनकारियों का कहना है कि हमारी हर पार की लड़ाई है और अनशन जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मैं सुनील कुमावत, मेरा कैमरामैन साथी संजय शर्मा के साथ द नगरी न्यूज के लिए।